और फिर से बात करेंगे। आज फिर अडानी और राहुल को लेकर जोरदार हंगामा यहां देखने को मिला। विपक्ष अडानी और राहुल की सदस्यता को लेकर तलवार भांज रहा है, तो वहीं बीजेपी और सरकार राहुल को ओबीसी बयान और मोदी सरने विवाद पर घसीट रही है। राहुल गांधी आज सूरत में अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे। इससे पहले सोनिया और प्रियंका ने राहुल से मुलाकात की। राहुल की अपील को लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है, पूछा कि पहले माफी क्यों नहीं मांगी। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट? कितने बजे याचिका दायर की जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2 बजे राहुल गांधी सूरत पहुंच जाएंगे और 3:30 बजे उनको कोर्ट में पेश होना है। लेकिन याचिका में क्या होना है और क्या दलीलें दी जाएंगी, हमारे साथ बाबू साहब हैं जो कि लीगल टीम से हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पूछते हैं। बाबू साहब, क्या होने वाला है आज कोर्ट में और आप लोग क्या बोलने वाले हैं? आज जो सामान्य जो सिरस्ता है उसकी वजह से अपील दाखिल हो जाएगी। अपील के साथ 2 एप्लीकेशन और भी साथ दाखिल की जाएगी। एक होगी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की और एक होगी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन की जाएगी वो मैटर ऑफ कोर्स दाखिल हो जानी चाहिए और अलाउ भी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल की सजा है और 2 साल की सजा में आज तक न्यायतंत्र के इतिहास में सस्पेंड नहीं हुआ एवं कोई दाखिला मेरे ध्यान पे नहीं है। मेरे 40 साल के वकालत में एक भी किस्सा मेरे ध्यान पे नहीं आया कि जिसमें 2 साल की सजा हो और सजा को भी अपील कोर्ट ने ना की हो। 3 साल तक की सजा है, कोर्ट अपने आप सजा मौकूफ कर देती, क्योंकि अपील नजदीक के भविष्य में सुनने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और इसलिए सजा को मौकूफ किया जाता है। सस्पेंशन होता है तो क्या होगा, मतलब दर्शकों को समझाइए, अगर सस्पेंशन हो जाता है सेंटेंस का तो क्या होगा? उसको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी और राहुल जी अपने आप घर जा सकते हैं। जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा था वो बात ये है कि सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन मतलब जो उसको गुनहगार तकसीम